23 मार्च 1931 सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को होने वाले फांसी के पहले ही एक दिन पूर्व तख्त पर लटका दिया गया। आज वो दिन है 86 वर्ष पूर्व की यह दुर्घटना। मैं जब अपने वक्तव्य देता हूं, जब अपने शब्दों का प्रयोग करता हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैनियों में, हिंदुओं में, जयचंद, जिन्हें बहुत पीड़ा होती है। अब मैंने कहा पिछले बार भगवान श्री राम के अयोध्या के मंदिर को लेकर के कि मैंने कहा कि वहां मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। मेरे इस टिप्पणी पर लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मुझे उस बात का आनंद भी है और दुख इस बात का नहीं है कि कुछ लोगों ने मेरे विरोध में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर क्या क्या टिप्पणी दी, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फूल यदि आपको मिलने वाले हैं तो कांटे भी आपको अवश्य मिलेंगे। मैंने कोई धर्म विरोधी या राष्ट्र विरोधी बात तो नहीं कही। जो कही थी वह संपूर्ण सत्य बात कही थी, जो वर्तमान में शाश्वत सत्य का आकार ले रही थी। किसी में यदि हिम्मत होती है धर्म और राष्ट्र को लेकर के, तो फिर वह अनैतिकता पनपती नहीं है। मैंने जो बात कही, जो मेरे शब्द कहे, वह सत्य कहे थे। तो मेरे कुछ धार्मिक बंधुओं की अधार्मिक भावनाओं को जो आहत और पीड़ा पहुंची है, मैं उसके लिए क्षमा कैसे भला मांगू, क्योंकि उन्होंने पूर्व और पूर्ण रूप से उस वीडियो को नहीं देखा, और देखा भी होगा तो उनको उनके अंदर कुछ न्यूनता ही दिखाई नजर आ रही। तो मैं उसमें भला क्या कर सकता हूं, मैं कहूं क्या, क्या बोलूंगा। किसी ने कहा कि मैं बेरुपिया हूं, पकड़ लिया गया मुझे पुलिस ने। अरे मूर्खों, में इतना समझ नहीं आ रहा है मुझे, मैंने ऐसा बोला क्या जो राष्ट्र विरोधी बात हो गई और मुझे पुलिस ने पकड़ लिया? तो कोई न्यूज की हेडलाइन तो नहीं बनी कि मुझे अरेस्ट कर लिया और मैं हवालात में हूं। किसी ने कहा कि अब मेरे वक्तव्य से जैनियों में असंतोष होगा और मेरे वक्तव्य से, मेरे भाषण से, मेरे शब्दों से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा? तब बिगड़ा। मैंने ऐसा कहा क्या? क्या मेरे शब्दों को कहना आपको, आपके लिए पीड़ादायक हो रहा है? यदि ये शब्द मेरे पीड़ादायक आपके लिए महसूस हो रहे तो आप बंद कर दीजिए अपनी आंखें, मैं तो बोलता ही रहूंगा। मैंने कहा क्या? आश्चर्य हुआ मुझे कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया है। कल ही तो मेरे पास पुलिस बैठी थी यहां की, बिना जानकारी के अपने शब्दों का उच्चारण करना मूर्खता की सीमाएं लांघते हो। मुझे फला फर्क क्या पड़ेगा, मैं तो हूं गुजरात में। और यदि किसी को विशेष रूप से यह मेरे प्रति बहुत ही प्रेम की भावना उत्पन्न हो रही है और उन्हें लगता है कि मैं हवालात में हूं, जेल में हूं, तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9099110088। भैया मैं मिलूंगा आपको, जेल में मिलूंगा या फिर गुजरात के मेरे छोटे से संस्थान में मिलूंगा, वो आप लोगों को उस समय प्रत्यक्ष रूप से समझ में आ जाएगा। वैसे मैं आप लोगों के नंबर रिसीव नहीं करता क्योंकि मेरे मोबाइल में हजारों कॉल एक एक मिनट में बजते हैं। प्रत्यक्ष आइए, मुलाकात करिए। ये अभी आज की 23 मार्च की तारीख है और लाइव टेलीकास्ट है। ये तारीख है 23 मार्च, समय लगभग 8:30 बजे का है। ये है तो, यह तो मैंने पूर्व 4 दिन पहले तो बनाया हुआ वीडियो तो है नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को इतना ही कहूँ कि धर्म की व्याख्या और राष्ट्र की व्याख्या को समझो और उसके बाद अपने शब्दों का बखान करो। जय पार्श्वनाथ, जय माँ भारती। मन कर।